नमस्कार गुरुत्वपूर्ण खबर सह अर्गस अपडेट को स्वागत मिस्मी गुरुत्वपूर्ण खबर देखे कुंता पूर्व हेडलाइंस अगस्त 1 रे हेबो ए वर्षर डाक्टरी प्रवेशिका परीक्षा नीट नेगेटिव हासरे ऑफलाइन रे हेबो परीक्षा पेन एवं पेपर मोड रे परीक्षा देबे विद्यार्थी संबलपुर बुर्ला विश्वविद्यालय 16 रु आरंभ हेबो ऑफलाइन क्लास बंद हेबो ऑनलाइन क्लास 17 रु प्रथम वर्षर छात्र छात्रे आसीबे कैंपस कोरोना मुक्त हेबा परे कुलपतिंक पदक्षेप गंजाम तरा सिंहरे ग्रामवासीक पुलिस लहुलुआण करबा घटना ओलटी तीन जनक गिरफ कला पुलिस वीडियो भाइराल करि पुलिस रा कार्यकर्ता उपरे प्रश्न उठाइले गिरफ व्यक्ति ब्रह्मपुर निमखंडी गांव रे पुणि एक बड़ दुंड चोरी अभियोग घरे पसि आलमीरा भांगी लखाधिक टक्कर सोना गहना लुटिले दुर्बृत्त सदर थाना पुलिस रा तदंत जारी उमरकोट रे पुणि फुटिला गुली पीएनजी शाखा आगरे जणे युवक व्यवसायी को गुली मारो संजीव सुबुधी को आक्रमण करि दुर्बृत्त फरार गुरुतर अवस्था रे नवरंगपुर मुख्य चिकित्सालय रे भर्ते आजि महानदी ट्रिब्यूनल रो 20तम सुनानी राज्य सरकार को आहि मुख्य को नै प्रश्न उठाइला महानदी बचाओ आंदोलन बीजेडी कहिला ओडिसा सपक्ष रे जिबरा श्रीक्षेत्ररे संकटरे मठ संस्कृति 752 रु रहिछि केवल 374 मठ पुरातन शंकरानंद मठर रक्षणाबेक्षण उठिला दावी कहिछन्ते राज्य सरकार एवं ओडिशा को पूरी कोरोना टेंशन 5 राज्य प्रतांक उपरे कड़ा नजर 24 घंटे 23,000 नुआ पॉजिटिव लक्षण देखा देले संगे संगे आरटीपीसीआर टेस्टिंग अगस्त 1 रे हेबो चलित वर्ष नेट प्रवेशिका परीक्षा जातीय परीक्षा एजेंसी एनईटी निजर ऑफलाइन जहां वेबसाइट रे एमबीबीएस प्रवेशिका परीक्षा तारीख घोषणा करछि परीक्षा पई आवेदन खूब शीघ्र आरंभ हेबो एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रम रे एडमिशन करबा को चाहुतबा विद्यार्थी ए प्रवेशिका परीक्षा देबे एथिपाय प्रथमे आवेदन करबा को हेबो ntanet.nic.in रे लॉगिन करे विद्यार्थी पंजीकरण करबे विद्यार्थी पेन एवं पेपर मोड रे परीक्षा देबे मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा रे बसिबा को हेले विद्यार्थी को सर्वनिम्न वयस 17 एवं सर्वाधिक वयस 25 वर्ष वयस होइथिबो युक्त दुई विज्ञान रे कोनोसी स्वीकृति प्राप्त बोर्ड रो पास करथिबे विद्यार्थी ए परीक्षा 11टी भाषा रे हेबो इंग्लिश हिंदी ओडिया आसामी गुजराती बेंगल मराठी कन्नड तेलुगु तालिम एवं उर्दू भाषा रे परीक्षा हेबो विद्यार्थी जो भाषा रे परीक्षा देबे आवेदन पत्र रे ताहा उल्लेख करबे ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ବୁର୍ଲା ବିଶ୍ୱଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ସେମିଷ୍ଟାର ଓ କ୍ଲାସ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱଠାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଠ କୁଳପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱଠାରେ କରୋନା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ଲାସ୍ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖଠାରୁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ବିଶ୍ୱଠାର ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାରରୁ ଦଶମ ସେମିଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ ତେବେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ବୁର୍ଲା ବିଶ୍ୱଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ସେମିଷ୍ଟାର ଏବଂ କ୍ଲାସ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସିଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ତେବେ ବିଶ୍ୱଠାର ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାରରୁ ଦଶମ ସେମିଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବ ବୋଲି ଯାହା
सूचना रही पूर्व जितेबले बुर्ला वीर सुरेन्द्र साय वैश्विक विश्वविद्यालय एकाधिक छात्र छात्री कोरोना आक्रांत चिन्हट होते चिन्हट होगा जो समस्त सेमिस्टर और क्लास को बातिल करा विशुटर समस्त छात्र छात्री से क्लास और परीक्षा को ऑनलाइन माध्यम देवाई विशुट कुलपति एक प्रकार निर्देश देते तबे परवर्ती समय रे विशुट रे कोरोना ह्रास पाई जो पुणि थे ऑफलाइन रे क्लास आरंभ हो सूचना रही आसंता 16 तारीख ठार क्लास है जहाँ सूचना रही तबे संपर्कित तो अधिक सूचना पे आम सहित तो बुर्लारु फोनलाइन जो प्रतिनिधि ज्योति नंद ज्योति जहाँ सूचना रही कि ऑफलाइन हेबो क्लास अर्थात आसंता 16 तारीख ठारु क्लास ऑफलाइन रे करा जिवो जेतेबेला पूर्वरु ऑनलाइन रे करा जिवो सूचना आसला काहेकि ना जेतु कोरोना संक्रमण बढ़ला वर्तमान ऑफलाइन हेबो बोली सूचना रही आउ कोनोसे सेभळी कोनोसे चिंता नाही तो कोरोना रो आक्रांत को नै देखो विष्णु किसी दिन पूर्व जो विस्कुट छात्र मान जो कोरोना आक्रांत होता आक्रांत नहीं एक बैठक होता से समस्त क्लास को ऑनलाइन क्लास कराइल समस्त ऑफलाइन क्लास बातिल कराइल सहित परीक्षा बातिल कराइल तो से बैठक कर सूचना देखते कुलपति जी आसंत 16 तारीख आरंभ हम ऑफलाइन क्लास समस्त क्लास ऑफलाइन हम कौन भाव मान भय ना से कोरोना को नहीं कोरोना धीरे धीरे हाथ पे लगे से नहीं राखी दृष्टि रखी तुम्हें आसंता 16 तारीख घोषणा कर समस्त क्लास ऑफलाइन रे हम ऑफलाइन रे पाठ पढ़ा सब पिला ऑफलाइन रे पाठ पढ़ो परीक्षा मोर ऑफलाइन रे देबे बोली कुलपति सूचना देखें निहाती बारे बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति आप समस्त सूचना पाए नजर पकावा परवर्ती खबर उपरे आज 16 विधान द्वितीय पर्याय विधानसभा अधिवेशन द्वितीय दिन तेज एप्रिल 9 पर्यंत बसवाक बैठक में 22 कार्य दिवस रही आज भी मंडी प्रसंग को नहीं सरगरम हो पारे गृह गत काली मंडी प्रसंग को नहीं बीजेपी विधायक विषपी आत्महत्या उद्यम करते तेज आज महिला और शिशु कल्याण विभाग सह अन्य 6 प्रसंगर आलोचना हो तेज आज कौन रही विरोधी मूलतवी प्रस्ताव तापर समस्त नजर रही तबे संपर्कित अधिक सूचना पे आम सहित भुवनेश्वर सुधा सल प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्य अधिक अपडेट कौन रही दिव्य आप शुणिपारे जो भाव में आज 16 विधान द्वितीय पर्याय विधानसभा अधिवेशन द्वितीय दिन विरोधी पूरापूरी प्रस्तुत अच्छा सरकार को घेरवाई अधिक अपडेट कौन रही इंजीनियरिंग पिलांको हॉस्टल फी छाड़ कले राज्य सरकार इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक पिलांको हॉस्टल फी छाड़ होछि कोरोना पई हॉस्टल बंद थिबारो फी छाड़ करछते सरकार 2020 अप्रैल 2020 डिसेंबर जाय बंद रहितला हॉस्टल प्राय 1,70,012 जन छात्र छात्री हॉस्टल फी छाड़ घोषणा करछे तेबे कोरोना काल रे हॉस्टल रे पिला माने रहि नथिले तेनु एमिति निष्पत्ति नेछंती राज्य सरकार धन्यवाद होछि माननीय मुख्यमंत्री को से काली ओटे निष्पत्ति नेछंती हमर डिपार्टमेंट तरफ ये पाखापाखि 16,000 पिला बेनिफिट पाइबे 16-17,000 पिला बेनिफिट पाइबे अराउंड 5 कोटी 10 लाख टंगार आर्थिक खर्च पड़ो जो पिला माने हमर कोरोना कोविड पे जो माने हॉस्टल जेहेतु बंद थिला से जो पीरियड से पीरियड सब फीस छाड़ होइछे बेसरकारी कॉलेज में सेटा तांका इंस्टीट्यूशनल लेवल से माने जहाँ डिसाइड करिवे किंतु हमर सरकारी संस्था माने जोडा रहिछे आईटीआई पॉलिटेक्निक हो जति जिने कॉलेज अछि से उडा करे हम योजना करथि कोविड पे जो पिला माने जो असुविधा रहथिले सेइत पे तांका मे छाड़ कराय गंजाम तरस सिंह पुलिस गुंडागिरी बिना भूले ग्रामवासी को लहुलुहान करने घटन तीन जन को गिरफ्त कला पुलिस गिरफ होगा व्यक्ति पुलिस उपर असंतोष प्रकाश करमती पुलिस थी कि लाभ बोली कौन कही वीडियो वायरल कले गिरफ व्यक्ति
लुटेरा सन्देह ग्रामवासी जड़े लुटेरा धरी पुलिस को देते गाँव में लुटेरा पचराउचरा करने को पुलिस को कहते ग्रामवासी किंतु पुलिस ओलटी ग्रामवासी को लहुलुहान कर ब्रह्मपुर सदर थाना अंतर्गत निमखंडी गाँव में पुणी एक बड़ धंड चोरी अभियोग राति प्राय तीनटा बेले सीमांचल सामल घर लुट होता अभियोग हो लुटेरा मैंने कौशल क्रमे बारिपटू गेट तारी घर भितर पशि आसते राति घरे समस्ते शोवा बेले घर तीनटा आलमीरा भांगी प्राय दुई लक्ष रु ऊर्ध टंकार सुना नगद 50,000 टंका सह किछि गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र लुटेरा चोरी करनेथिबा जनापड़ी सदर थाना पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर सूचना अधिकार आईन बल में मिली संगीन तथ्य सुवर्णपुर जिला वीर महाराजपुर ब्लॉक अंतर्गत पितामहल सेवा समवाय समिति संपादक बेआईन भाव संपादक दायित्व बेआईन भाव निजुक्ति वर्ष वर्ष धरी कार्य करुछंती फैक्स संपादक बिना कागजपत्र और बिना प्रमाणपत्र निजुक्ति अभियोग सूचना अधिकार आईन बल में मिली संगीन तथ्य सुवर्णपुर जिला वीर महाराजपुर ब्लॉक अंतर्गत पितामहुल सेवा समवाय समिति संपादक बेआईन भाव संपादक दायित्व जमापड़ एमतीक विज्ञापन हो जमापड़ सूचना अधिकार आईन बल में मिली तथ्य अनुसार संपादक हिमांशु प्रधान निजुक्ति कौन प्रमाणपत्र ना दर्शाई एने आम साप्ताहिक कार्यक्रम उत्तरदायी अभियोग होता आम जेन पैक्स मान सेक्रेटरी निजुक्त हो इटा पूरा इलिगाली हुए जेनटा कि सरकार कौन सीटार लगी नोटिफिकेशन बाहर कर जाने मुझे गोटे आम पैक्स पितामहल गोटे आर टी आई मागि थी जेन थी कि रिप्लाई देले जे निजुक्ति संपर्कित तो कौन सी कागजपत्र नाइन जदि कागजपत्र नाइन निजुक्ति है कमी आ सरकार इटा भल किना तदंत गले केमती निजुक्ति जना पड़ता आदि निजुक्ति ठीक से हो कागजपत्र तो देवार लगे किसी असुविधा नहीं आईटा गोटे इटा गोटे एग्जाम्पल खाली आउ बाहर भी बहुत एंता जेनटा कि बिना नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कौन से नोटिफिकेशन नहीं थी नियुक्ति कर दिया होती लगी टी तदंत होवार आवश्यक बिना प्रमाणपत्र और बिना निजुक्ति विज्ञापन किभली संपृक्त संपादक को निजुक्ति दि जाए प्रश्नवाची सृष्टि समस्या नहीं वीर महाराजपुर सरकार समवाय समिति समूह सहकारी निबंधक जान ना कहते मुझे रिसेंटली जॉइन करी वीर महाराज सर्किल एआरसीएस हिसाब से पितामहल फैक्स जो कहते देखिए कौन है इनक्वारी कर देखिए फैक्स बंद थी पितामहल संपादक हिमांशु प्रधान प्रतिक्रिया मिल पारिना एवं प्रश्न उठू बिना विज्ञापन निजुक्ति केमी कहा इशारे हिमांशु को निजुक्ति दिगला एथपाई प्रशासन पक्षर उत्तरदायी किए सुवर्णपुर सत्यवान प्रधान रिपोर्ट अर्गस न्यूज उमरकोट सहर से फुटिला गुड़ी फल व्यवसायी गुरुतर होती युव व्यवसायी टी संजीव सुबुधी निज बाइक झरीगाँ जवा रास्त निज घर को फेर समय हठात पंजाब न्यासनाल बैंक निकट में हठात तीन जन युवक एक कला पल्सर आसी तांको गोटे राउंड गुड़चा कर घटनास्थल फेरार हो जाते अंटे गुड़ीटी बाजिता संजीव को गुड़ बाजवा पर बैक्रु ते पड़ जाते गुड़ शब्द शुनी स्थानीय बासीदा व्यवसायी को उद्धार कर उमरकोट डाक्तखाना भर्ती करते अवस्था गुरुतर होवर नवरंगपुर मुख्य चिकित्सालय को स्थानातर कर खबर पाई उमरकोट पुलिस घटनास्थल और डाक्तखाना को जा तदंत कर गुड़कांडर प्रकृत कारण जमापड़ना कोरापुट नंदपुर कमारगुड़ा छक दुर्घटना भारसाम्य हर नाल को खसी पड़ा कार छ गुरुतर अवस्था शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल भर्ती करा समस्त गुरुतर गोटे पर जमापड़ी कमारगुड़ा निकट में कार्य भारसाम्य हर दुर्घटनाग्रस्त हो घटनास्थल में नंदपुर पुलिस पहुंची गुरुतर को मेडिकल भर्ती करने घटनार तदंत चल
ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ବା ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିରୋଧ। ଏନେଇ ଏମକେଏସ୍ଜି ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଡାକ୍ତର ସଂଘ ଏବଂ ହାଉସ୍ ସର୍ଜର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ବହୁ ଏମବିବିଏସ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାକିରି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ କରୋନା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁମର ପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ତାହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ସଂଗଠନ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। କିଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ବଞ୍ଚିତ ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମାଲେମାଲ। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଏବେ ବି ପଲିଥିନ ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ପାଇଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସହାୟତା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ କୁଶଳ ଏବଂ ଆଳିଶ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଥାଘର ପାଲଟିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତାଲିକାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ, ଅଯୋଗ୍ୟ ମାଳମାଳ। ଏବେ ବି ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। କିଏ କରୁଥିଲା ଫନି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଓ ସହାୟତା ତାଲିକା? ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଥାଘର ପାଲଟିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଫନି ସହାୟତା ବଣ୍ଟନରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ପ୍ରଥମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫନି ସମୟରେ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ପୁଣି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହାୟତାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଲେଖାଯୋଖା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଫନି ବିପନ୍ନ। ବାତ୍ୟା ପରେ ଏକାଧିକ ଥର ତଦନ୍ତ କଲେ ଅଧିକାରୀ, ହେଲେ ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପର। ଏବେ ବି ତାଲିକାରେ ପୁଳା ପୁଳା ଅଯୋଗ୍ୟ ନାମ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଜଣେ ଫନି ବିପନ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗତ ଯୋଉ ଫନି ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଫନିରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା କଥା ସିଭିଅର ଥିଲା, କିଏ ଏସ ଥିଲା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା 95,100 ପାଇବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ 3,200 ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ପଛରେ 91,900 ଆଜ୍ଞା ଦବା କଥା, ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲୁ, ତାପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲୁ, କୌଣସି କଥା ଆମର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମେ ଅର୍ଡର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଚିତ୍ର ଉପରେ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଆଳିଶ ପଞ୍ଚାୟତର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସେଠୀ ଓ ଦୈତାରୀ ମଲ୍ଲିକ। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଏମାନଙ୍କର ଚାଳ ଘର ଉଡି ଯାଇଥିଲା। 4 ମାସ ଏମାନେ ପର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ି ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଳ ଘର କରି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଖୋଲାମେଲା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏପରିକି ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଓ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ତାପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ବାରମ୍ବାର 10-20 ଥର ଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ। ତହସିଲ କହିଲେ ହଁ ହବ, ହଁ ହବ, ହଁ ହବ, ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ ତ ଆମର କଟକଟି କଟି କରି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ନ୍ୟାୟ ଇଆଡ଼େ ଯେମିତି କେହି ନ ବୁଝିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଇଏ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ ଆଉ, କିଛି ଫଳ ମିଳିଲାନି। ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ସବୁ ଦେଲେ, ବାରମ୍ବାର କେହି କିଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଚିପିକି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁ ଯାଇକିରି ଏଠି ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲ, ତୁମେ ବହୁ ପଇସା ହେଇଗଲି ଆଉ ତୁମକୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଗିଗଲା, ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଚାରିବଖରା ଘର ଭାଗିଗଲା। ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, 3,200 ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ନାଁ ନମ୍ବର ସବୁ ଯାଇଛି, ସେ ପଇସା ବି ମିଳିପାରୁନି। ତାପରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଇଏ କରିକିରି ମୁଁ ରହିଛି, କେସ୍ ବି କଲି ମିଳିଲାନି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଅବରୋଧ ଜଣାଉଛି ଆଉ। ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଫନି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତାଲିକା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଶୁକଳ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଲିକାର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 545 ରହିଛନ୍ତି ରତନୀ ନାୟକ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଦୁନ୍ଦ ନାୟକ। ରତନୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହାୟତା ବାବଦକୁ ପାଇଛନ୍ତି 91,900 ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲେ 3,200, ଅର୍ଥାତ୍ ରତନୀ ମୋଟ ଉପରେ ପାଇଛନ୍ତି 95,000। ତେବେ କିଭଳି ପରିବାରରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି 95,000 ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି, ତାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସକୁଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତା ପାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर एवं डायरेक्टर विजिलेंस कटक निकट में अभियोग करिछन्ति फनी विपन्न अनेक समाजसेवी प्रकृत योग्य लोक न पाई अजय लोक पाउछन्ति स्वामी स्त्री पाउछन्ति पंचायत बजार संपूर्ण बात्या सहायता घर भंगा सहायता आडल्ट युवक जो मैंने अविवाहित युवक जार संसार नहीं परिवार नहीं सेमाने पाउछन्ति घरे के चार चार जन चार पांचटा भाई पाउछन्ति बाप पाउ पुओ पाउछि ये सब कथा हूँ छात घर थी लोक जो मैं दस पंद्रह मकड़ा छात घर से भी दि जाए बड़ बड़िया लोक तथ्य अनेक तथ्य आम पाखे अच्छी आम पाखे अनेक तथ्य अच्छी तेरे के मिल योग्य विपन्न को सहायता ना सहायत रु वंचित रे योग्य लोक अभोग पर कहीं निदा विष्णु साजिश जिला प्रशासन अयोग्य व्यक्ति को सहायता पठाई अधिकारी विरोध में केवे हे कार्यानुष्ठान ब्रह्मगिरी कालुचरण साहू और सत्यवादी अमर शतपथी रिपोर्ट अर्गस न्यूज प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ तारातारिणी चैत्र यात्रा को अनुमति जिलार भक्त माने माँ का दर्शन करें तेज जिला बाहर भक्तों प्रवेश मना कोविड कटक मध्य यात्रा अनुषित होगा बेले मास्क और सामाजिक दूरत्व गुरुत्व दि जा तारातारिणी प्रसिद्ध चैत्र यात्रा को ग्रीन सिग्नल दर्शन करें केवल जिलावासी अन्य जिलावासी कटक दोल पूर्णिमा ठारु माँ तारातारिणी प्रसिद्ध चैत्र मेला आरंभ कोविड नियम पालन करि दर्शन करिपारिबे जिलावासी भक्त मानंकु मास्क पिंधिबा सह हाथ सानिटाइज करबाकु अनुरोध करा जायछि सेपरि प्रवेश समय रे भक्तंकर थर्मल स्क्रीनिंग करा जिवो यात्रा पूर्वरु सेवायतंकर स्वास्थ्य जांच सह कोविड परीक्षा करा जिवो बड़ खुशीर कथा जहाँ गला वर्ष कोरोना जो बंद था ए वर्ष जिलापाल चाहिए प्रशासन चाहिए यात्रा हम बहुत शांति भी हम आमर प्रत्येक दिन सका पांचटू मंगला आरती हुए तापर मार्जना अवकाश हुई जाती दर्शन होता है कि चैत्र मास मंगलवार दिन प्रथम पाली आमर चारिटू मंदिर खोला अवकाश हम समस्त उत्साह उद्दीपना अच्छी आसंता मंगलवार जमी सुरखुरी समापन हम मेला अनुमति मिलता बेले ऊपर बेढ़ खाद्य बंटन और खावा बंद कर सेपरि मंदिर तलस्थान में भक्तगण मुंडन करें मुंडन करुवा व्यक्तिशेष बयस षाठी ऊर्ध होना और सेमानंकर कोविड परीक्षा कराजे अनुमति प्रदान कौन खावा खाद्य मंदिर उपरे बिक्री किंबा खाद्य परेषण होना जानवाहन रखा स्थान में जानवाहन गुड़िक रखा बसस्टाण्रे बस रंदिर व्यवस्था कर बस में निर्धारित बस भड़ा कर मंदिर को जापारे घाटी रास्ता दे चली चली भक्तों जीवाक बारण करोपवे और पहाच रास्ता दे जाक चढ़ी पारे पुलिस विभाग तरफ भक्तों दर्शन जपरी शांति श्रृंखलार समापन होती दृष्टि दिज्व तारातारिणी चतुपार्श्वे जरी को संपूर्ण ब्यान कर अग्निशम विभाग पक्ष नदी अंचल में अस्थायी सेवा केन्द्र स्थापन होजना ताको कोविड गाइडलाइन सामना को रखिके और केमिति आमर भाविक मान को असुविधा हेबा नाही ताको सामना के रखिके आज गोटे आलोचना हो जाइछि सबु मेंबर थिले समस्त मतामत नहीं के आम निष्पत्ति नहींचु चैत्र मेला हेब और लोक माने भी दर्शन करिपारिबे खाली आम जो वल्नरेबल ग्रुप अच्छे तक अनुरोध करुच्छे कि से ये वर्ष को टी आसतु ना या भितर सीनियर सिटीजन प्रेग्नेंट वुमन छोट छुआ मैंने ये समस्त को आम अनुरोध करुचु कि जेहेतु ये कोविड पाई वल्नरेबल रोचा ता सहित उपर जावापी भी एवं भल बस अरेंजमेंट हो सहित पूरा सिक्यूरीटी मेजरमेंट हिट वेव को नहीं के प्रॉपर प्रिकॉशन कंट्रोल रूम देन आम एवर्ष कोविड चेकिंग पाई भी सुविधा करके देउछु माने एंटीजन टेस्ट भी आम करू सब सेवायत मान भी एंटीजन टेस्ट हे ते सब प्रिकॉशन नहीं के चैत्र मेला आम करू दोल पूर्णिम आरंभ हो जाता यह चैत्र मसने मंगलवार स्वतंत्र गुरुत्व थाए तेणु दूर दूरतर भक्तों भिड़ जमे किंतु एथर कोविड पाई जिला बाहर भक्तों अनुमति नहीं कविसूर्य नगर गणेश डाकुआ ब्रह्मपुर पीतांबर नागों रिपोर्ट अर्गस न्यूज गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास आज पूरी जिला स्कूल को अचानक गस्त करते स्कूल गस्त समय रे स्कूल प्रधान शिक्षयित्री समेत अनेक शिक्षक शिक्षयित्री अनुपस्थित थी मंत्री जानवा पर असंतोष जाहिर करते
बिना छुट्टी दरखास्त रे अनुपस्थित थिबा तीनि जण शिक्षक शिक्षयत्री को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करबा सह गोटिए दिनर दरमा बंद पै निर्देश देइछन्ती मंत्री। पुरी जिला स्कूल रे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रो नूतन ढांचा रे परीक्षा पा करबा पै मंत्री निर्देश देथिले। जेउ जेउ परीक्षा जनवरी फेब्रुवारी मास रे होई नाही से समस्त परीक्षा मार्च मास रे नूतन ढांचा रे करबा पै मंत्री निर्देश देइछन्ती। राज्य रे समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माने नुआ प्रणाली रे परीक्षा करबा एवं एहाकू तदारख करबाकु मंत्री निर्देश देइछन्ती। छात्र छात्री माने नुआ परीक्षा ढांचा को बोर्ड रो वेबसाइट रो देखि परीक्षा देबा पै परामर्श देइछन्ती। समस्त सरी ब्रेकिंग रखा देखापी आप विजिट करेंगे वेबसाइट अर्गस न्यूज। नमस्कार।